एक और बड़ी खबर, सवाई माधोपुर में मतगणना का पहला रुझान है और ये इंटरेस्टिंग होगा। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर की मतगणना हो रही है, अब दूसरे नंबर पर कौन है ये देखना है दिलचस्प होगा। योगी जी आपको क्या लगता है दूसरे नंबर पर कौन हो? देखिए शुरुआती रुझान है और मुझे लगता है कि कांग्रेस से मुकाबला रहने वाला है और कांग्रेस ही दूसरे नंबर पर अभी तक दिखाई दे रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से आगे है, जिस तरह का रुझान हमारे पास स्थानीय स्तर से सामने आया। और इस बीच आंकड़ा 63 पर पहुंच चुका है बीजेपी का रुझानों में। राजस्थान में ये तस्वीर है जहां 50 पर कांग्रेस आगे, 60 पर बीजेपी और अदर्स 7 पर आगे चल रहे हैं, यानी 117 जो आंकड़े हम बात कर रहे थे वो बढ़त बनी हुई 199 सीटों में से। इसके अलावा भी अगर हम बात कर ले, छत्तीसगढ़ में भी 30 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस यहां पर 57 पर आगे चल रही है, 53 पर बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे चल रही है और 3 पर अन्य। मध्य प्रदेश और राजस्थान का लगभग विजेंद्र आसपास ही ये आंकड़ा नजर आ रहा है रुझानों में। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस बीजेपी में टफ फाइट दिखाई दे रही है, जिस तरीके से एग्जिट पोल में लग रहा था कि भाई कांग्रेस लीड करेगी। योगी जी पोस्टल बैलेट में छत्तीसगढ़ में आपने सामने का मुकाबला वहाँ पर नजर आ रहा है, ये बात सही है और अब क्योंकि परिणाम आगे बढ़ेंगे तो तमाम चीज सामने आएंगे। ये यहाँ से चौंकाने वाली शुरुआत होती है। 13 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई है। राजस्थान में बीजेपी 55, कांग्रेस 50, आंकड़ा हुआ 105, उसमें जोड़ लीजिए 13, आंकड़ा हुआ 118 सीटों का रुझान अभी तक आ चुका है। ये बात हो सकता है कि RLP, BSP, ASP और BAP इन सीटों को अपन मान ले और कुछ ये कहा जा सकता है कि CPM। बढ़त बनाए हुए 53 पर बीजेपी, 50 पर कांग्रेस और 14 पर अन्य पहुंच चुके हैं। देखिए तेजी से ये आंकड़ा, हालांकि आंकड़ा भी रुझानों में 117 सीटों का ही है, लेकिन 117 सीटों में भी कैसे ऊपर नीचे हो रहा है ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। अब यहाँ 53, 50 और 14 पर ये आंकड़े आ चुके हैं। सवाई माधोपुर सीट से भाजपा आगे चल रही है, यानी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ से आगे चल रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा यहाँ से आगे चल रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला सवाई माधोपुर सीट पर था, देखना दिलचस्प होगा कि चलिए अभी बैलेट की काउंटिंग चल रही है, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर कौन और तीसरे पे कौन, क्या आशा मीणा दूसरे पर है या दानिश अब्रार दूसरे नंबर पर है, ये देखना होगा। लेकिन भाजपा सवाई माधोपुर सीट से आगे। बिल्कुल श्वेता, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अजमेर जिले की अजमेर दक्षिण सीट से बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी प्रत्याशी अनीता बदेल ने बढ़त बनाई है। उत्तर में वासुदेव देवनानी पीछे चल रहे हैं, दक्षिण में अनीता बदेल आगे चल रही है और पश्चिमिया ने आपको पहले बताया भी था कि शायद हो सकता है वासुदेव देवनानी को वहां नाराजगी का सामना करना पड़े। राजसमंद जिले की राजसमंद सीट से बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी बढ़त बना रही है,